नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जिससे तमाम जिंदगियां बदल गई और तमाम जिंदगियां ख़त्म हो गई। तो इस लाइन में ऐसा क्या था जिससे कई जिंदगियां बदल गईं? कईयों को जेल में जाना पड़ा, कईयों की मौत हो गई। तो ये कहानी है इंदौर की, जहाँ 23 साल की नेहा वर्मा, एक ऐसी लड़की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है, उसकी कई इच्छाएं होती हैं ज़िंदगी में। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके जीवन में, उसकी लाइफ में बहुत पैसा हो, जिस पैसे से वो बड़ा घर ले सके, गाड़ियां ले सके, ज्वेलरी ले सके, अपने सारे शौक पूरे कर सके। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की किस तरह से ये शौक पूरे कर पाती? तो नेहा को अमीरी का लालच बहुत ज़्यादा था। जैसे वो किसी ऐसी औरत को या किसी ऐसी फैमिली को देखती थी जो बहुत वेल सेटल्ड हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, तो वो परेशान हो उठती थी। उसका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, विचलित हो जाता था कि ये इन लोगों के पास इतना पैसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। तो उसके लिए आप काम करें, आपको काम करना होगा, तब शायद आप उस मुकाम पर पहुँचे, पेशेंस रखना होगा। लेकिन नेहा चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी लाइफ में बहुत पैसा आ जाए और वो बहुत अमीर हो जाए और सारे शौक मौज उसके कदमों में आ जाए। खैर, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ इसकी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो 23 साल की नेहा एक मॉल में होती है, वहाँ उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है। ऐसी महिला जो देखने में आप समझ जाएंगे कि वो एक अच्छे घर से है, ज्वेलरी पहनना, अच्छे अच्छे जो मॉल्स में जो ब्रांड्स होते हैं वहाँ से शॉपिंग कर रही थी वो महिला। शायद 45 से 50 के बीच की उम्र रही होगी उन महिला की। वो घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, उनके ड्रेसिंग सेंस से और जैसे वो अपने आप को कैरी कर रही थी, ज्वेलरी पहनी हुई थी, फ़ोन और ये तमाम चीज़ें जो देखने वाला इंसान होता है वो देख लेता है। तो नेहा को ये महिला दिखी दूर से और शायद दिमाग में वही चीज़ आई जो इसको एक तरह से कहीं बीमारी थी, कि वो देखकर परेशान हो उठी कि इस महिला के पास इतना सब कुछ कैसे है। तो होता कुछ ऐसा है कि मॉल में वो महिला चल रही होती है और नेहा ने पहले से ही देख लिया होता है और वो जान पूछ कर उस महिला से टकरा जाती है। टकराने के बाद उस महिला के जो बैग्स होते हैं, जो शॉपिंग उसने तमाम की हुई होती है, वो सारे बैग्स नीचे गिर जाते हैं और नेहा उसके बाद उसकी मदद करने के लिए वो बैग्स उठाने की कोशिश करती है। क्योंकि नेहा बहुत सुंदर दिखने वाली और बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम सी दिखने वाली लड़की है और वो जब टकराती है तो बहुत ही मासूम तरीके से बोलती है, सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं। इस लाइन के बाद ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो वो महिला देखती है कि एक अच्छी प्यारी सी बच्ची है और क्योंकि उस महिला की भी बेटी उतने ही उम्र की थी तो ज़्यादा कुछ उसने कहा नहीं। और क्योंकि मासूम शक्ल बनाकर नेहा ने इस कदर बात को संभाला कि कोई शक हुआ नहीं। तो नेहा ने वो बैग्स उठाए और बहुत मासूमियत से उसने ये बोला कि मेरी गलती है, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ आती हूँ। वो महिला मना करती रही लेकिन नेहा ने उसकी एक ना सुनी और उसको गाड़ी तक छोड़ने के लिए चली गई। तो महिला का नाम है मेघा देश पांडे, जो उसको गाड़ी तक ले जाती है, वो सामान अपना वहाँ पर रखती है। उसके बाद कुछ बातें होती हैं, वो महिला पूछती है, यानी मेघा देश पांडे नेहा से पूछती है कि आप क्या काम करती हो, कैसे क्या है, तमाम तरीके की चीज़ें वो पूछती है क्योंकि नेहा उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती है, क्योंकि वो बातचीत बढ़ाना चाहती थी। तो नेहा बताती है कि वो एक ब्यूटिशियन है और इस तरीके का वो काम करती है। तो ये चीज़ें उन दोनों के बीच में होती है। उसके बाद वो महिला मेघा देश पांडे उसको अपने घर पर बुलाने के लिए बोलती है कि कभी आओ मिलते हैं, क्योंकि वो ब्यूटिशियन थी तो एक महिला ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि शायद कुछ उसके ऐसे प्रोडक्ट्स काम में आए जिससे वो और अपनी लाइफ में यूज़ कर सके, अच्छे लगे। तो यहाँ से बात बढ़ती है, अब इस दौरान ये दोनों कई बार मिल लेते हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट्स या ब्यूटी के बारे में कुछ उससे डिस्कस करती है, तो इनका बाहर कई बार मिलना मिलाना हुआ। लेकिन 29 जून 2011 को कुछ ऐसा हुआ कि इन सबकी जिंदगियां पलट गई। हुआ कुछ ऐसा कि नेहा एक बहाना निकाल कर लेकर आती है कि उसके पास कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो वो मेघा को दिखाना चाहती है, उन्हें यूज़ करने के लिए उसके बारे में बताना चाहती है।
तो ये बहाना लेकर नेहा मेघा के घर पहुंचती है। मेघा के घर पे उसकी बेटी, उनकी माँ मौजूद होते हैं। घर पे बस वो तीन लोग होते हैं। तो उसके बाद एक डोरबेल बजती है, तो जब मेघा दरवाज़ा खोलती है तो सामने ब्यूटीशियन नेहा होती है। तो वो उसे अपने घर पर बुलाती है, वेलकम करती है, क्योंकि पहले भी मिल चुके हैं तो कोई नई बात नहीं थी, या शक किया जाए ऐसी भी कोई बात नहीं थी। वो उसे अपने घर पर बुलाती है, सोफे पे बैठते हैं। मेघा की माँ भी होती है, बेटी भी होती है, सब आसपास होते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स दिखाना मेघा को शुरू करती है कि ये प्रोडक्ट्स आए हैं। तो आपस में सब हल्की फुल्की बातचीत हो रही होती है। तो इतने में नेहा बोलती है कि मुझे इन प्रोडक्ट्स में कुछ कन्फ्यूजन है, मैं एक बार किसी से बात करके आपको बताती हूँ। तो नेहा वहाँ से उठती है और फ़ोन लगाती है राहुल को। और राहुल कौन है? राहुल है नेहा का बॉयफ्रेंड। इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा और दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो नेहा उसको फ़ोन करती है और राहुल को मेघा के घर पर बुलाती है। अब ये शायद सब प्री प्लान था। राहुल अपने दोस्त मनोज को लेकर मेघा के घर पहुंचता है, डोरबेल बजती है, मेघा गेट खोलने जाती है। तो शायद उस वक्त इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं और नेहा बताती है कि मेरा ही फ्रेंड है, आप इसे आने दीजिए। तो जैसे ही राहुल घर में घुसता है, वो पीछे हाथ करता है और बंदूक निकालकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। और उसके गन पॉइंट के सीधे सामने थी मेघा देश पांडे के अंदर वो तमाम गोलियां उतार देता है और वो गिर पड़ती है। ऐसे ही बंदूक की आवाज़ सुनकर मेघा की जो बेटी है और माँ है वो कमरे से निकलकर आते हैं। जैसे जैसे वो कमरे से निकल रहे वैसे वैसे गोलियां चल रही हैं और तीनों वहीं के वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही गोलियां ख़त्म होती हैं तो नेहा और राहुल मनोज चाकू लेकर उन तीनों पर वार करने लगते हैं और उनको जान से मार देते हैं। इसके बाद नेहा की ह्यूमैनिटी इस कदर गिर जाती है कि वो लाशों पे से जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी तीनों ने, उनको भी उतारती है। घर में जितना कैश पड़ा होता है वो सब उठाती है, ज्वेलरी, तमाम चीज़ें जो वो उस घर से चाहती थी, जो वो मेघा देश पांडे से चाहती थी, जिस वजह से उसने दोस्ती बढ़ाई थी, वो चीज़ सारी उठाती है और तीनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन फरार होने से पहले जब फायरिंग होती है तो उस दौरान एक गोली राहुल के पैर पर लग जाती है। इसके बाद ये जब फरार होते हैं तो राहुल सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ से अपना इलाज कराता है और निकल जाता है। अब जब मेघा के घर पे जब उनके हस्बैंड पहुंचते हैं तो वहाँ वो तीन लाश को देखकर, अपनी पत्नी, बेटी और अपनी सास की लाश देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, उसके बाद जाँच शुरू की जाती है। पुलिस को एक क्लू जो मिला वो ये कि राहुल के पैर में जो इंजरी हुई थी उसके बाद वो हॉस्पिटल गया, बस वहाँ से इन तीनों को पकड़ लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जब पहुँचता है तो जब 2014 में ये मामला हाई कोर्ट में पहुँचा तो हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इन तीनों ने बहुत ही यूँ कहें कि कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी, इस कदर तीनों लोगों की जान ली, गोली मारी, चाकू मारा, चोरी की, उनके शरीर से वो गहने उतारे, तो ये बहुत इनह्यूमन नेचर था। तो इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया और इसमें जो फैसला आया था कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो ये था कि तीनों को तीन तीन बार फांसी की सज़ा दी जाए और इस सज़ा को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना गया था। लेकिन उसके बाद जब 2014 के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट का अलग नज़रिया होता है। वो उन्होंने ये देखा कि जब इस दौरान ये लोग जेल में रहे थे तो इनका बिहेवियर, तीनों आरोपियों का अच्छा बिहेवियर था, किसी से किसी की कोई परेशानी, दुश्मनी नहीं थी। ये एक इन्होंने फैक्ट अपने पास रखा। दूसरा ये कि इन तीनों आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दलील रखी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला फांसी के बजाय 25 साल की उम्र कैद में बदल दिया, इन तमाम फैक्ट की वजह से कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जेल में तीनों का व्यवहार अच्छा था। उसके बाद ये पूरा केस, पूरे जो जजमेंट थी वो फांसी से फिर 25 साल की उम्र कैद में बदल गई। तो इस तरह ये जो पूरी कहानी थी, जो नेहा के मन में जो लालच था उसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड को घसीटा। अच्छा, बॉयफ्रेंड की बात ये भी थी कि इन दोनों का काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप था, तो इन दोनों का एक बहुत बड़ा
मकसद था या यूँ कहें कि ख्वाहिश थी कि दोनों बहुत अमीर बने, लेकिन अमीर बने जल्द से जल्द। अब जल्दी का काम तो शैतान का है, तो वही इन्होंने अपनाया और उसके बाद पहुंच गए जेल, जहां 3 मासूम लोगों की नेहा और 2 आरोपियों ने मिलकर जान ले ली। और इतने ख़राब तरीके से ये सारा, उनकी ज्वेलरी ली, उनकी चोरी का, मतलब ये एक इनह्यूमन नेचर होता है जो इसमें मुझे दिखाई दिया। तो इस कदर जो लालच होता है, जो देखकर लोग परेशान हो जाते हैं कि इसके पास इतना पैसा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, तो ये सब एक यूँ कहें इस पूरे केस की निशानी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। इस केस में तो जेल पहुंचा दिया, तो ऐसी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप चाहे कम हो उतने में ही खुश रहें। ज़्यादा का लालच हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा कर ही देता है। ऐसी चीज़ें करें जो आपको खुशी पहुंचाए, ना कि ये कि जेल पहुंचा दे या आपके परिवार को भी इन तमाम चीज़ों को सहना पड़े। तो ये थी आज की कहानी कैसी लगी या आप क्या सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आगे उस तरीके की कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।